बढ़ती गर्मी के साथ जिले के ग्राम उन की पेयजल व्यवस्था भी दिनों दिन गड़बड़ाती जा रही है। उनमें फिलहाल 12 दिनों में एक बार नलों में पानी आ रहा है। यहाँ के लोगों को पीने के पानी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले का उन गांव कहने को तो 99 मंदिर कुएं व बावड़ियों का गांव है, किंतु यहां के पेयजल संकट के बिगड़े हालात आला अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि तक किसी से भी छिपे नहीं हैं। यहां फिलहाल 2 सप्ताह में एक बार नलों से पानी आ रहा है। यहां की पेयजल व्यवस्था अलग अलग सर्किट बनाकर चलाई जा रही है। बमुश्किल केवल एक मोहल्ले के सर्किट में ही पानी वितरित हो पा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही जल स्रोतों पर पानी भरने के लिए महिला पुरुषों की भीड़ उमड़ने लगती है। गांव में हर जल स्रोत पर इस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। यहां की पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए पिछले दिनों PAHE विभाग द्वारा पाइपलाइन डालने का काम शुरू हुआ है, जो अभी भी अधर में अटका हुआ है। इधर गांव की पेयजल व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी जल स्रोत दम तोड़ चुके हैं एवं उसमें बहुत कम मात्रा में पानी बचा हुआ है। इतिहास के साक्षी इस गांव का पेयजल संकट भी यहां के इतिहास का हिस्सा बनता जा रहा है। पिछले कई दशकों से यहां के रहवासी पेयजल संकट से जूझते चले आ रहे हैं। उनसे दिनेश दसौंदी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।